इब्राहिम खान रशिया से ने सवाल किया है कि शायद हर कफ सिरप में थोड़ा सा अल्कोहल मिला होता है, तो हजरत क्या जब खांसी हुई हो तो उसको ठीक करने के लिए कफ सिरप पी सकते हैं या नहीं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं? जवाब इनायत फरमा दे। हमारे उलमा का इस पर सेमिनार हो चुका है, जिसमें हमारे अकाबिर बड़े उलमा के इत्तेफाक से ये बात तय हुई कि अल्कोहल का इस्तेमाल नाजायज़ है। मगर चूंकि अब इस दौर में ज़्यादातर दवाओं में अल्कोहल मिलाया जाता है और अल्कोहल के बगैर इलाज मुमकिन नहीं है, लिहाजा ज़रूरतन इजाज़त दी गई, क्योंकि एलोपैथिक में तो अल्कोहल मिलता ही है और सुनने में आया है कि होम्योपैथिक की दवा में भी अल्कोहल मिलता है। और पहले ज़माने में बड़े बड़े मतलब हकीमों के कायम थे, बड़े बड़े हकीम थे, मतलब थे, खुद दवाओं को वो बोते थे, काश्त करते थे और मतलब में पिसवाते थे, और उसका हर दवा के लिए हर मर्ज़ के लिए अलग अलग दवाएँ थीं। लेकिन अब इस दौर में मुतबादिल हर मर्ज़ का और हर दवा की नहीं है, नाजा ज़रूरतन इसकी इजाज़त दी गई है। तो अगर उस कफ के अलावा कोई और दवा न मिल पाए, उस सीरप के अलावा अगर कोई और दवा उसकी जगह जायज़ न मिल पाए, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसकी जगह अगर कोई मुतबादिल दवा है जिससे आपको की खांसी बंद हो सकती है और उसमें अल्कोहल दवा अल्कोहल नहीं मिलता है, तो फिर आप लाजिम है कि आप उसी को इस्तेमाल करें और अल्कोहल वाला सिरप इस्तेमाल न करें।